अगर नहीं पैसा है तो कम से चालू करो। ये धंधा चालू करने के लिए कभी पैसा नहीं चाहिए, धंधे को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। धंधा चालू तो करो फिर ग्रो करोगे। व्यापार चालू करने के लिए कभी किसी को पैसा चाहिए ही नहीं। व्यापार को 10 गुना 20 गुना 50 गुना बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ये बहानेबाजी बंद करो। नमस्कार फ्रेंड, मैं मोनिका त्रिपाठी एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लघु उद्योग भोपाल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ही मशीन फ्रेंड जो कि हर घर में यूज होता है, चाहे वो छोटा घर बनाने में यूज हो चाहे वो बड़ा घर बनाने में यूज हो। तो वो हर जगह यूज होने वाला कुछ ऐसे ही मशीन आपको लेके आए हैं जो सोने के भाव बिकने वाला है। तो उस मशीन का नाम है आपका वायर नेल मेकिंग मशीन, मतलब कील बनाने की मशीन। आज हम आपको कील बनाने की मशीन के बारे में जानकारी देने वाले हैं और कौन से मशीन में कितने इंच से कितने इंच तक का आप कील बना सकते हैं, आज ये पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। और हमें इस मशीन से कितना पैसा, मतलब अगर हम ये लघु उद्योग यदि लगाते हैं तो हम गांव में लगाएं या शहर में लगाएं, गांव से लेके शहर तक हम कहीं भी इस मशीन को आसानी से लगा सकते हैं। ये हमारा एक छोटे से लघु उद्योग में आता है और ये मशीन लगाने का मतलब सोने के भाव बिकने वाला ये बिजनेस है हमारा, जो कि इसमें हमें पैसा ही पैसा मिलने वाला है। तो घर बैठे भी हम इस उद्योग को आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि वायर नेल मेकिंग मशीन जो होती है वो 1 इंच में हम कितना बना सकते हैं और एक मशीन में कितने इंच से लेकर कितने इंच तक का बनता है। तो फर्स्ट मशीन हमारी जो आती है जिसमें कि हम 1/2 इंच से लेकर कम से कम 1.5 इंच तक का वायर हम बना सकते हैं, जिसमें कि अगर हम ये मशीन की बात करें कि हमारा ये जो प्रोडक्शन है वो कितना होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यदि अगर हम साइज छोटा बनाते हैं तो पीसेस ज्यादा बनते हैं और साइज यदि बड़ा होता है तो पीस हमारा कम होता, मतलब कम बनता है। तो आप ये जो मशीन की बात यदि हम करें तो पीसेस, मतलब अगर हम 1/2 इंच का बनाते हैं तो कम से कम 450 से लेके 500 पीसेस पर मिनट का हमारा प्रोडक्शन होता है। उसी तरीके से जब हम 1 इंच का बनाते हैं तो आपका 350 से लेके 400 पीस का होता है। जब हम 2 इंच का बनाते हैं तो उससे कम हो जाता है, 3 इंच का बनाते हैं तो उससे कम हो जाता है। तो इस तरीके का हम प्रोडक्शन आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा वायर, जैसा ये हमारा है वायर, तो इस वायर में क्या है कि जंग लगा हुआ है। ये जो वायर है इसमें जंग लगा, आप ये देख सकते हैं कि वायर में ये जंग लगा हुआ है। तो इसको साफ करने का, अब हम इसको साफ कैसे करते हैं, तो इसको साफ करने की भी मशीन हमारे पास आपका उपलब्ध है, जिसको बोलते हैं पॉलिशर मशीन। मतलब हमारा जो वायर होता है उसको पॉलिश करके साफ करने की मशीन को बोलते हैं पॉलिशर मशीन। तो आप ये देख पा रहे हैं इस तरीके का साफ, मतलब ये जो हमने दिखाया ये पॉलिश किया हुआ है, जिसमें कि कितना अच्छा ये क्वालिटी बनके तैयार है। आप इसमें साइज वाइज भी बना सकते हैं कि आपके कौन से साइज का कौन से मशीन में बनता है। उसके बाद हमारा आता है ग्राइंडर मशीन, जिसमें कि ग्राइंडर में क्या होता है फ्रेंड्स कि जिस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि ये आपका नुकीला बना हुआ है, आप इसी तरीके से ये जो आगे का जो कोरा होता है वो सही से बना नहीं होता है। तो इसके लिए, उस कोरे को बनाने के लिए हमें जरूरत जो पड़ती है वो ग्राइंडर मशीन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो ग्राइंडर मशीन है, इस ग्राइंडर मशीन से ही हम इसमें आसानी से इसको साफ कर सकते हैं, मतलब इसको नुकीला कर सकते हैं। और ये जो मशीन है आप इस मशीन को कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब गांव से लेकर शहर तक हम गांव में भी इस मशीन को आसानी से लगा सकते हैं और शहर में भी हम इस मशीन को आसानी से लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस मशीन में ये जो मशीन है इसको अगर हम लगाते हैं तो कितना कॉस्ट आता है मशीन को लगाने के लिए और हमें बिजली की आवश्यकता की कितनी होती है। तो ये जो मशीन है फ्रेंड्स, इस मशीन को यदि अगर आप लगाते हैं तो ये मशीन आपको जो स्टार्टिंग प्राइस है मशीन का वो है 1,80,000, मतलब 1,80,000 से मशीन की स्टार्टिंग प्राइस है। तो आप मशीन ले करके अच्छा खासा आप प्रोडक्शन करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये जो है जिस तरीके का सोने का भाव सुबह का कुछ और शाम का कुछ और होता है फ्रेंड्स,
उसी तरीके से वायर का होता है कि सुबह का रेट कुछ और शाम का रेट कुछ और होता है। बट अगर ये बिजनेस यदि अगर हम करते हैं तो रोजाना कम से कम हम 5,000 से 7,000 हम पर डे इनकम हम कमा सकते हैं। और ये मशीन यदि अगर हम लगाते हैं तो छोटे से कमरे में, मतलब अगर 10x10 का भी अगर रूम है तो हम उस मशीन में भी मतलब उस कमरे में भी इस मशीन को आसानी से लगा सकते हैं। यदि स्पेस ज्यादा है, जैसे गांव में क्या होता है कि स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है तो गांव में हमें लगाना ज्यादा, लेकिन शहर में क्या होता है कि शहर में स्पेस कम होता है, इसकी वजह से लोग कम जगह में भी इस मशीन को लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मशीन के वेट का, कि मशीन कितने वेट का होता है। तो मशीन के वेट की अगर बात की जाए फ्रेंड तो 450 kg, मतलब अगर हम 1/2 inch से लेकर 1.5 inch तक की जो मशीन होती है उसका जो वेट होता है वो 450 kg का होता है। उसके बाद अगर हम 2 inch तक का अगर हम ये कील बनाने की मशीन अगर हम लेते हैं उसका वेट 600 होता है। अगर यही अगर हमें 3 inch तक का बनाना है तो उस मशीन का वेट 1000 होता है। उसके बाद अगर हमको 4 inch तक का बनाना है तो 1400 kg का होता है। उसके बाद हमें ग्राइंडर और पॉलिशर, ये जो दो मशीन है वो मशीन हमें अलग से, उसका जो वेट होता है वो अलग से होता है। अब हम बात करते हैं बिजली का बिल का, कि जो हमारा जो मोटर होता है वो कितने HP का होता है और बिजली का बिल हमारा कितना लग सकता है। तो जो आपका मोटर होता है वो मोटर आपको दिया जाता है 1.5 HP का, मतलब 1.5 HP का मोटर जो होता है वो कटिंग मशीन में होता है, जो कि 1/2 inch से लेके 1.5 inch तक का जो कील बनती है उस मशीन में होता है। उसके बाद हमारा आता है ग्राइंडर और पॉलिशर का। तो ग्राइंडर जो मशीन होती है उसमें हमारा 1 HP का मोटर होता है, जो पॉलिशर होता है उसमें 2 HP का मोटर होता है। मतलब हम इस मशीन को यदि अगर हम लगाते हैं तो हमें कम से कम, अगर हम सिंगल अगर हम मशीन चलाते हैं तब तो घर के लाइट पे चला सकते हैं। यदि हमें तीनों मशीन साथ में जब चलाते हैं तब हमें कॉमर्शियल लाइट की जरूरत पड़ती है। तो आप वो भी सुविधा अगर चाहिए तो वो सारी चीजें आपको हमारे यहाँ से कैसे क्या क्या चीजें करनी है वो सारी चीजें आपको इसी कंपनी में बता दी जाएगी। और उसके बाद हम बनाते हैं मशीन की सप्लाई। तो फ्रेंड्स हमारी जो मशीन की सप्लाई होती है वो टोटल ऑल ओवर इंडिया होती है। तो ऑल ओवर इंडिया जो मशीन की सप्लाई होती है, अगर आप घर बैठे भी मशीन को मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है आप उस पर फटाफट कॉल कीजिए और आपको कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए या जैसे भी करके आपको सारी डिटेल दी जाएगी और आपको मशीन भी दिखाया जाएगा कि मशीन कौन सा आपको लेना है, कैसा मशीन है। अगर आप संतुष्ट होते हैं तो आप ऑफिस विजिट भी करके ले सकते हैं। यदि फोन पे अगर आपको समझ में आ जाता है या वीडियो कॉल पे आपको समझ में आ जाता है तो भी आप मशीन को ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यदि आपको घर बैठे मंगाना है, मतलब कि हमें ऑनलाइन डिलीवरी हमें चाहिए, तो आपको क्या करना है कि आपको बुकिंग कराना होगा। जब आप बुकिंग कराते हैं तो बुकिंग कराने के बाद मशीन को ट्रांसपोर्ट में या तो TCI में लगाया जाता है और आपको वहां पे मशीन जब उपलब्ध हो जाती है तब यहाँ से जो इंजीनियर है वो जाते हैं और मशीन को इंस्टॉल करते हैं और वहाँ की सारी जानकारी मशीन में कि कैसे डाइल लगता है, कैसे मटेरियल लगता है, कैसे मतलब चलता है, कैसा उसका प्रोडक्शन है, वो सारी चीजें आपको ए से लेके जेड तक की जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको बताएंगे। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी यदि अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिस है वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मात्र 2.5 किलोमीटर के रेंज में हमारा ऑफिस है। तो आप लोग स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है आप उस पर कॉल करके संपर्क कीजिए, मशीन की सारी जानकारी लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स अब हम एक नए मशीन नए वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।